हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। अब दिस थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 7 लिविंग वर्ड्स क्लास 6 के लिए। तो मैंने सेकंड पार्ट में आपको बता दिया था द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दैट इज शेप साइज स्पाइन लाइफ स्पाइन एंड दैट इज हैबिटेट्स एक्सेट्रा। तो एंड सेकेंड दैट इज द वर्ड ऑफ लिविंग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट्स। हैबिटेट्स मीन हैबिट फूड हैबिट्स। हैबिट एंड हैबिटेट्स में डिफरेंस क्या है? हैबिट मीन्स व्हाट वी डू, जो हम करते हैं उसे हैबिट कहते हैं। हैबिटेट मीन्स वेयर वी डू लिव। दोनों डिफरेंस समझिए। हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट मीन्स बिहेवियर, बिहेवियर एंड हैबिटेट इट मीन्स वेयर डू वी लिव, हम कहाँ रहते हैं। दोनों डिफरेंस है ना। आप इसमें कंफ्यूजन मत होना चाहिए आपको कि हैबिट क्या है, हैबिटेट क्या है। बस सिंपल सा डिफरेंस आपको लगेगा हैबिट एंड हैबिटेट। सो आई टॉक अबाउट दी हैबिट्स। हैबिट मीन्स फूडिंग हैबिट्स। सो बेस्ड ऑन दी फूड हैबिट्स व्हाट वी ईट, व्हाट द एनिमल्स ईट, ऑन दैट या टू ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स दैट इज दी ग्रीन प्लांट्स इट इज डाउन हियर। ये बनाया गया, देखिए दिख रहा है, यस दिख रहा है, इट इज ए लीफ एंड ड्रॉन हियर। तो दैट इज दी ऑटोट्रॉफ मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड दैट इज नोन एज दी ऑटोट्रॉफ्स। तो ग्रीन प्लांट्स आर दी ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट आर दी ऑटोट्रॉफ्स। इन दैट फूडिंग हैबिट हर्बीवोर्स द एनिमल्स विच ईट देयर फूड बेस्ड ऑन दी प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। जो पौधों से पेड़ से मिलने वाली चीज़ें जैसे ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ऑयल्स हैं एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें इनको हम इन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स हर्बीवोर भी हैं, ओमनीवोर भी हैं। बट काउ, गोट, कैमल, रैबिट, ये जितने भी हैं ऑल ऑफ दीज दे आर दी हर्बीवोर्स। ओनली ईट दी प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट लीफ एंड ऑल दैट। यू नो काउ, काउ दैट इज काउ एंड बर्ड्स दे आर आल्सो हर्बीवोर्स। बट सम बर्ड्स ईट द इंसेक्ट्स लाइक दे हेल दैट इज स्क्रैचिंग वन। सो दैट काउ, गोट, बफेलो, ऑक्स, कैमल, ऑल दीज आर हर्बीवोर्स। इन हर्बीवोर्स मैन एंड बर्ड्स। देन बर्ड्स आर दी फ्रुगिवोर्स। फ्रुगिवोर्स मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच ईट देयर फूड, जो खाना खाते हैं किससे, फ्रूट्स, फल से, ओनली फ्रूट्स लाइक द पैरेट। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पैरेट है, देखिए ये फल खाता है। एंड अदर्स दे हैव दे ईट द क्रो भी क्रो आल्सो ईट द फ्रूट बट इट इज आल्सो ईट इन द इंसेक्ट्स एंड फ्लेश आल्सो। नाउ ऑन द अदर हैंड हेटरोट्रॉफ्स, सेकेंड वन हेटरोट्रॉफ्स। इन हेटरोट्रॉफ्स दैट इज द कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। तो कार्निवोर्स दैट इज दे बी इंसेक्टिवोर, दोज हु कार्निवोर्स द ऑर्गेनिजम्स विच गेट देयर फूड फ्रॉम दी
flesh up or meat up other animals, or they eat the other animals, like the second hand, carnivores mean insectivores or meat eaters. तो इंसेक्टिवोर्स कौन से फ्लाग लीजिए ये कीड़े भी खाते हैं सो दे आर द इंसेक्टिवोर्स एंड मीट ईटर्स जो ओनली ईट द मीट लाइक द लायन टाइगर वुल्फ दे ओनली ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स नाउ इन द सेट इन द थर्ड वन इन द हेटरोट्रॉफ दैट इज ओमनिवोर्स ओमनिवोर्स मींस बोथ द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन बोथ they also eat the flesh of animals, they eat the egg, meat, chicken and bread, vegetable, fruits, pulses, rice and many more things, milk and all that. So they are the omnivores. So example is man omnivores, dog bhi omnivores, bear bhalu cat. The bear eat also the fish, polar bear, cat also eat the rat and also that is a drink milk. So these are the omnivores. Now in the fourth one, the fourth one that is the saprophytes. Saprophyte means the organisms which get their food based on the dead and decayed remains. सड़ी घुली हुई चीजों से the organisms get the food. They are the saprophytes. Dead the organisms which are getting their food from dead and decayed remains of plants and animals. They are the saprophytes. So in that saprophytes bacteria and another example mushroom. In mushroom bread mold, many more bread molds. Now this is the rainy season. If you keep some vegetables in the that is refrigerator in chilled crate, after 2 or 3 days you will see that may be spoiled and the mushroom or the that is a fungi will grow there. आप देखेंगे बिल्कुल white हो जाता है and it is spoiled, सड़ जाता है, खराब हो जाता है. So this is the saprophytes. They get their food from dead and decayed remains, then mushroom, then bread mold. Shoes आपने polish करके रख दिया. If you are not it is raining and after 4 or 3 days you will see that is whitey substances, powder लगे छिड़क कर it is not what that is powder will come, but it is the that is bread mold. And now on the basis of the reproduction, the organisms based on reproduction classification, I do the classification based on the reproduction. So on the basis of reproduction kya hota hai? Reproduction is the process of producing young ones of same shape, size and kind. This is the reproduction, and reproduction is to maintain the race. It is very important to maintain the normality. That's why reproduction is very important. Now on that basis of reproduction, there are oviparous and viviparous. Oviparous means those who lay eggs, they are the oviparous. So egg laying animals, they are the oviparous. In that birds, insects and fish, crocodile insect name, but they give the they do not give the birth to the developed child, they give the only layers. Now the viviparous means the organism, the animals which give the birth to the young one. जिसे हम human being में क्या कहते हैं, child कहते हैं. Dog में puppy कहते हैं, pups कहते हैं.
और बिल्ली में चीटिंग कहते हैं. सो ऑल दीज वी कैन कैटेगराइज, वी कैन क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन. वो भी पेरस, वी भी पेरस, वो भी पेरस एग्लेइंग इन बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश, क्रोकोडाइल, वी भी पेरस गिविंग बर्थ टू यंग वन, दैट इज द चाइल्ड पप एंड किटन. नाउ दिस वे दिस इज द क्लासिफिकेशन आर ऑन द बेसिस ऑफ द दैट इज फूड हैबिट एंड द रिप्रोडक्शन. बंद कर दीजिए फिर एज करना है. हेलो, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कवरिंग मैंने आपको रिप्रोडक्शन बताया बेटा, एंड रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन एंड ऑल दैट आई हैव टोल्ड यू. नाउ आई विल टेल अबाउट द बॉडी कवरिंग, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बॉडी कवरिंग. मीन्स द एनिमल व्हिच हैज इट्स ओन बॉडी कवरिंग, सो दैट इज बॉडी कवरिंग इज स्केल, स्किन, फेदर्स, हेयर्स, हार्नी स्केल्स. स्केल्स आप जानते हो, फिश और स्नेक, फिश और स्नेक, स्नेक में भी स्किन भी, लेकिन स्केल डाउन सरफेस होता है स्नेक के, बाकी स्किन होता है. स्केल देखिए फिश एंड व्हेल, व्हेल रोहू, ऑल टाइप ऑफ द फिश दे हैव द बॉडी कवरिंग द स्मॉल स्केल, छोटे छोटे. आप देखते हैं जब मछली छेलते हैं क्योंकि छोटे छोटे स्पाइकल निकलते हैं तो वो स्केल कहते हैं. फिर मैन में बेटा स्किन होता है, एंड स्नेक स्किन, एज स्किन इज हेयर, एंड स्किन इज आल्सो हैविंग हेयर बट नॉट द होल बॉडी. एज इन द डॉग एंड कैट द होल बॉडी इज कवरिंग विद द स्किन एंड टफ स्किन. काऊ, गोट एंड रैबिट एंड डॉग, ऑल लायन, टाइगर, ऑल दीज एनिमल्स हैविंग द बॉडी कवरिंग, जिराफ टू. नाउ द डॉग्स एंड कैट्स दे हैव द हेयर्स ऑन द बॉडी सरफेस, टफ, इसे टफ हेयर कहते हैं, टफ एंड स्मार्ट, टफ स्मार्ट, टफ एंड स्मार्ट, स्मॉल हेयरिंग, घने और क्या बोलते हैं छोटे बाल, स्मॉल हेयर, स्मॉल हेयर दैट इज टफ. एंड व्हेन दे गो ग्रो, अब शीप भी है, भेड़ भी है, एंड दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द वूल. नाउ द हॉर्नी स्केल, हॉर्नी स्केल दैट इज रफ स्पाइन, कांटे जैसे. आप जैसे क्रोकोडाइल देखते हो इसमें कांटे जैसे होते हैं, सेलामेंडर जब बड़े हो जाते हैं तो ये आल्सो हैविंग दी वेरी हॉर्नी मीन्स वेरी रफ, और दे हैव दी जस्ट लाइक स्पाइन, कांटे जैसे इनके स्केल्स होते हैं क्रोकोडाइल में. एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई हैव टोल्ड अबाउट द बॉडी कवरिंग एंड द एग्जांपल्स आई हैव गिवन. मैंने बताया हैबिट, हैबिट बताया, हैबिट मीन्स बिहेवियर, हैबिट इट मीन्स वेयर डू वी लिव, आर द एनिमल्स are found. Now on the next one, that is the importance of plants. After that conclusion, what is importance of plant, what is importance of animals. The importance of plants, so plants use the carbon dioxide and water, and what they give, kya dete hain wo, they give the oxygen, oxygen plus food. They give the oxygen plus food, and that food in the form of vegetable, in the form of fruits, in the form of grains, in the form of oil, in the form of sugar, in the form of medicine and all. So that is the food is converted. Now fruits, many types of fruit, vegetables, daily we use the vegetables. And especially we have used the GLB, green leafy vegetable, but now not in the rainy season. Now grains, anaj, bahut sare hain. That is wheat, rice, barley, maize, and so that. Grains, oils, oils, groundnut oil, mustard oil, almond oil, from seeds we get the oil, different type oil.
वीगन। तो मस्टर्ड ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज फॉर कुकिंग। नाउ लास्ट शुगर, शुगर चीनी दैट वी गेट द प्लम प्लांट, दैट इज शुगर केन प्लांट। नाउ आल्सो वी गेट द रबर फ्रॉम प्लांट, कॉटन, पेपर, मेडिसिन। तो मेडिसिन आर व्हाट, मेडिसिन किन से मिलता है? नीम, तुलसी, क्लोव। नीम, तुलसी, क्लोव, नीम से, तुलसी से, क्लोव से एंड एलोवेरा एंड सो मेनी, बहुत सारे हैं। सो दिस इज द मेडिसिन वी गेट फ्रॉम द plants. And now that is it. Here also you can literacy also very important. Now animals, animals में cow, goat, buffalo, ox and goat. तो cow horse for transportation, cow buffalo for milk दूध के लिए and ox for plow खेत जोतने के लिए are pulling the cart in the डेजर्ट रीजन इन द राजस्थान द कैमल्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो डॉग्स एट द स्लेप विच इज नाउ आफ्टर दैट हेन हेन फॉर एग एंड शीप फॉर वूल गोट फॉर मीट गोट फॉर मीट सो दिस वे दिस इज द यूज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट characteristics. So I have given the complete explanation, मैंने पूरा आपको बता दिया है chart and tabulation, so that complete करिए, learn करिए and subscribe my channel. Thank you.